5 दिन से आरजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारी आश्रितों और पेंशनर्स को मुफ्त दवा का लाभ नहीं मिल पा रहा। वजह है आरजीएचएस अधिकृत मेडिकल स्टोर्स का सरकार ने बीते 100 दिन से भुगतान अटकाया हुआ है और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 10 अगस्त से उन्होंने हड़ताल की हुई है। प्रदेश भर में आरजीएचएस स्कीम के तहत इनका 600 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बकाया है। आरजीएचएस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी, उनके आश्रित और पेंशनर्स बीते 5 दिन से मुफ्त दवा योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वजह है सरकार की ओर से इन दवाओं के बदले प्रदेश भर में बीते 100 दिन से अटका हुआ करीब 600 करोड़ का भुगतान। सरकार से भुगतान नहीं मिल पाने के कारण अधिकृत आरजीएचएस दवा विक्रेताओं ने 10 अगस्त से हड़ताल कर रखी है। आलम यह है कि सक्षम अधिकारियों से वार्ता के बावजूद कोई हल नहीं निकल पा रहा। ऐसे में इन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये साहब कि मेडिसिन के जब प्रशिक्षण इनको देते हैं ना, तो ये कहते हैं कि मेरे पास क्या है कि पेमेंट बराबर नहीं आता, इसलिए मैं एक साथ आपको दवा नहीं दे सकता। और एक महीने की दवा लेने के लिए भी हमें कम से कम 7 से 8 बार इनके पास में चक्कर लगाने के लिए आना पड़ता है। जब हमें दवा एक महीने की दवाइयाँ जो लिखते हैं उसमें मैं जो है मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ यहाँ से लेता हूँ, जो है अपना पार्सनल मेडिकल स्टोर से। तो 10 अगस्त को मैं यहाँ आया दवाई लेने के लिए, तो इन्होंने कहा कि जो है आप ये पढ़ लीजिए सामने क्या लिखा हुआ है, जो है हमारा पेमेंट भुगतान नहीं कर रही सरकार, इसलिए हम दवाई देने देंगे आपको। 21 दिन में भुगतान नियमित अंतराल पे होना चाहिए। काफ़ी समय से पेमेंट ट्रैकर भी अपडेट नहीं किए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य कई समस्याएं हैं, जिसमें पोर्टल को क्लीन अप करना, अधेड़ दवाइयों को पोर्टल से हटाना, एक हेल्पलाइन नंबर हमारे लिए स्थापित करना ताकि दूर दराज के केमिस्ट साथी अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ से प्राप्त कर सकें। लेकिन अभी तक भी सारे काम लंबित हैं। डिपार्टमेंट का असहयोगी रवैया सरकार की इस योजना के लिए रोड़ा बना हुआ है। अतः हम सिफारिश करते हैं, गुजारिश करते हैं, तुरंत हमारी समस्याओं का समाधान किया जा सके ताकि सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः योजना में दवाइयां मिलना शुरू हो सके। करीबन 2.5 साल से हमारी अकरण कटौतियां, अनियमित भुगतान कारण हम बहुत परेशान हैं। हम अभी 10 तारीख से 8 तारीख के बीच में जिस सचिव श्री दिवसीय पुष्टि से मिले थे हमारी समस्या को लेकर, उन्होंने निवारण हेतु में 1 महीने का टाइम भी दिया है, मगर हम बहुत उदासीन हैं हमारे पेमेंट को लेके, अनियमित भुगतान को लेके। आज हम हमारे लाभार्थियों को दवाई देने में असमर्थ हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्या निराकरण हो, लाभार्थियों को लाभान्वित होने में परेशान, पेशेंट बहुत परेशान है। एक और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे तैसे किसी चिकित्सक को दिखा भी लें या भर्ती हो जाएं तो आरजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की ही दवा नहीं मिल पा रही है। बीते 4 दिनों से भुगतान नहीं मिलने से परेशान आरजीएचएस मेडिकल स्टोर कीपर ने अब तेज आंदोलन की चेतावनी दी है। इस समय हम एसएमएस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और ये तमाम जो दुकानें हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर, ये सभी आरजीएचएस के तहत यहाँ पर जो यहाँ पर देती हैं दवाएं मुफ्त दवा योजना के तहत, जो यहाँ पर चयनित होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनको यहाँ पर ये दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन बावजूद इसके जब भुगतान नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर 10 अगस्त से आरजीएचएस के तहत दवाइयाँ नहीं दी जा रही है और जो यहाँ पर लोग हैं आरजीएचएस के लाभार्थी उनको यहाँ पर उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ में जो स्टोर कीपर हैं उन्होंने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।